क्या देख रहे हैं? मनुष्यों को, भूतों को देख रहे हैं, भूतों को। भगवान विष्णु ने कहा ऐसे बराती अगर गणेश की शादी में जाएंगे तो ईंट पत्थर और जूता खाएंगे सिर्फ। इसलिए प्लीज, जो आदमी पहले से ब्योबड़ा हो, शराबी हो, उसको बिल्कुल भी बरात का न्योता नहीं देना चाहिए। क्यों? इज्जत का सवाल है। लड़की वाले के यहाँ जाकर बरात में दूल्हे वालों को इज्जत कमानी चाहिए, इज्जत गंवानी नहीं चाहिए। पर ये मदरा पान करने वाले लोग हर जगह पर पाखंड फैला देते हैं। इसलिए जो काम सत्संग का है, जो काम संस्कार का है, शादी कैसा काम है बताओ? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग थोड़े ज्यादा अच्छे से लग रहे, पढ़े लिखे से, मुझे बताओ जहां पूजा पाठ हवन हो रहा हो वहां शराब पीनी चाहिए कि नहीं? शादी में पूजा होती है कि नहीं, हवन होता है कि नहीं, तो वहां शराब कैसे चल रही है? और पिला कौन रहा है ये बताओ पहले, तो पिला कौन रहा है? एक भी माई का लाल अपने घर से पीता, या तो लड़की वाला या लड़का वाला, दो में से कोई ना कोई हराम खोरी करता है। अब बताओ यज्ञ हो रहा है, लड़का लड़की को बढ़िया आशीर्वाद की जरूरत है, बढ़िया सुंदर आशीर्वाद, गृहस्थ में बड़े आशीर्वाद लगते तब गृहस्थ सुखी रहता है। अब ये शराबी क्या आशीर्वाद देंगे हमें नहीं पता। एक शराबी ने शराब पी ली और जैसे ही तो क्या मंगलाष्टक शुरू हुए, और वो शराबी ने क्या किया कि सिगरेट जोड़ ली, सिगरेट जोड़ने के लिए माचिस लगाई, और शराब के नशे में उसे पता ही नहीं कि माचिस कहां फेंक दी उसने, तो वो माचिस चली गई इसमें तंबू डेरा जो डालते शादी में मंडप, तो सिगरेट मुंह में लगी और फेंक दी। एक ही मिनट के अंदर सारा मामला। इसीलिए जिनको होश आभास रहता है ऐसे लोगों को अतिथि बनाकर बरात में ले जाइए, उनका सम्मान करवाइए, उनको सौल श्रीफल नारियल भेंट करवाइए। अब क्या करेंगे इन्हें मदमस्त लोगों से, भगवान बचाए। जिन शादियों में विवाहों में शराब पी जाती है, पूजा पाठ में शराब पी जाती है, उस पूजा पाठ को भगवान स्वीकार नहीं करते, वो पूजा पाठ तामसिक और हिंसक हो जाता है, इसलिए वो दैत्य कृत में चला जाता है। उस घर में ग्रस्त में फिर राक्षसों का जन्म होता है, वर्ण संकर औलाद आती है, नहीं आज्ञा मानने वाली औलाद पैदा होती है। इसीलिए पहले से ही विवाह संस्कार में पंडितों को, ऋषियों को, मुनियों को, साधुओं को बुलाइए, जिससे कि मदरा पीने वालों की संख्या कम हो जाए। किसी शादी में अगर 100 साधु आ जाएं, तो फिर मदरा वालों की तो जरूरत है ही नहीं, नंबर ही नहीं लगेगा, साधु ही 100 है, और कुल मिला के 150-200 तो बराती होते हैं, 10-20 मौसा जी जी फूफा फूफी, फिर आंडू पांडू की जरूरत ही क्या है उसमें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। आज तो भगवान गणेश जी बैठ गए देखो रथ में, ब्रह्मलोक में यात्रा चली कैलाश से, और ब्रह्मा जी के यहां पर माता सरस्वती और ब्रह्मा जी और कुछ देवताएं वहां भी विराजमान हैं, और भगवान शंकर के पुत्र गणेश का स्वागत करने के लिए ब्रह्मलोक सजाया हुआ है। दया कृतम दानेशु, ब्रह्मा जी सरस्वती को कह रहे हैं देवी आज तो हमारे जन्म जन्मों के तुक्ष कोई पाप होंगे वो धुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम दोनों पति पत्नी को कन्या दान करने का और गऊ दान करने का मौका मिला है। बेटी के विवाह में पहले माँ बाप गऊ दान करते हैं और फिर कन्या दान करते हैं, दोनों विधि वही होती हैं। विवाह के मंडप में, यज्ञ मंडप में कन्या दानम गऊ दानम पूर्णो प्रवर्षदानम। इसलिए आज भगवान ब्रह्मा और सरस्वती अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे, गौरव आज हमें गऊ दान करने का अवसर आया, आज हमें कन्या दान करने का अवसर आया है। अगर गौदान और कन्यादान करने का मौका मिला हो तो नहीं चूकना, क्योंकि हमारे वही पाप धुल जाते हैं। इसलिए घर में कन्या होना बहुत ही जरूरी है, माँ बाप के पाप धोने के लिए, माँ बाप का पाप बढ़ाने के लिए पुत्र और कन्या होती है पाप धोने के लिए। गदेन दर्शनम पुत्रामृतोऽसु द्वैतान पुण्य प्रभावते सरस्वती तवेतायाम। देखिए थोड़ा थोड़ा सा कन्यादान के रूप में भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि को चढ़ावा चढ़ाते हैं, और भगवान गणेश के रूप में जो सत्कर्म किया जाएगा उसका फल तो अच्छा ही होगा। इसलिए थोड़ा सा आज गौदान हो जाए, भगवान के शुभ विवाह में दान और पुण्य की बड़ी रीति है। आज उस दान के रूप में भगवान श्री ब्रह्मा और माता सरस्वती पहले से ही गौदान का स्वभाव बना करके तैयार हैं, पहले गौ सेवा और फिर कन्या की सेवा, क्योंकि गौ की रक्षा, गृहस्थ की रक्षा प्राचीन काल से ही चली आ रही है।
प्राचीन काल में दहेज के रूप में गौदान दिया जाया था। पहले गौदान करते थे दहेज में, अभी गौदान की तो पता नहीं, उत्तर भारत में तो अभी भी पशुदान होता है। आज भी लोग अपनी बेटी को गाय या भैंस कोई भी चीज ऐसी देते जिससे उसके बच्चों को दूध घी सब प्राप्त हो जाए, ऐसा दान आज भी होता है। तो गौदान विशेषतम पुण्यो पाप अभिमुंचितम, गौ की सेवा करते समय अगर थोड़ा भी हमारा कमाया धन गाय के सेवा में, गाय के भोजन में चला जाए तो अवश्य अवश्य हमें शुभ आशीर्वाद गौ माता से मिलता है। गौ के बड़े बड़े विज्ञान, दुनिया भर में गौ माता के इतने रिसर्च, इतने विज्ञान है कि समय आने पर धीरे धीरे मैं दो चार बातें आपको जरूर बताता चलूंगा, पर आज इतना बताऊंगा कि विवाह संस्कार में पहले माँ बाप शुद्ध होते हैं गौदान करके, फिर बेटी का कन्यादान करने का उन्हें अधिकार मिलता है। गौदान पहले पाप खत्म हो जाए तब बेटी का कन्यादान हो। सत्यम न पुण्यो दानेषु, कन्यादान और गौदान दोनों ही महादान हैं। और इतने दान हैं कि पूरे के पूरे घर में अनंत अनंत जिम्मेदारियां सब टल जाती हैं। जिम्मेदारियां, माँ बाप हल्के हो जाते हैं शादी करके बेटी की, ऐसे हल्के उनका लोड कम हो जाता है क्योंकि पाप धुल गया, इसलिए प्रसन्न वातावरण हो जाता है बेटी के बाद। और जब तक बेटी जवान हो, दान न कर पा रहे हो तो बहुत टेंशन रहता है बेटी की शादी का, इसलिए शादी के लिए गौ दान कर लिया तो जल्दी से बेटी के लिए अच्छा वर प्राप्त होता है, अच्छा वर्ण प्राप्त होता है, अच्छा समय प्राप्त होता है। भगवान करे आपकी बेटी को मांसाहारी शराब पीने वाला पति न मिले, पर प्रॉब्लम यह है कि बेटी खाती हो तो फिर क्या सोचे और क्या कहें। भगवान करे दोनों का जीवन अच्छा हो जाए और ऋषि मुनियों की, देवताओं की संस्कृति उन पढ़े लिखे लोगों के जीवन में आचरित हो जाए जिससे उनके घर में राक्षसों का जन्म ना हो। मम्मी पापा दोनों ही खाने पीने वाले हों तो वहां राम लक्ष्मण कैसे पैदा होंगे, आप ही सिद्धांत लगा लीजिए। सतगुरुदेव भगवान श्री भगवान गणेश जी का प्रथम आगमन, ब्रह्मलोक में भगवान गणेश जी समस्त बराती देवताओं के ऋषि मुनियों के साथ में पधार रहे। बंधु गणपति महाराजा प्रथम तुम ही को मनावे, हाँ गणपति महाराजा प्रथम तुम ही को मनावे, हाँ गणपति महाराजा मनाए, गणपति महाराजा प्रथम तुम ही को मनाए, गणपति महाराजा राजा प्रथम तुम ही को मनावे, कंचन थाल कपूर की भांति, कंचन थाल कपूर की भांति। भगवान ब्रह्मा जी और माता सरस्वती कंचन लेके खड़े हैं थाल, कंचन माने सोने की थाली, और उसमें अगर लगाया है, अगर यानी कपूर, आप जो कपूर जलाते हैं ना ये कपूर नहीं है, ये केमिकल है। कपूर आपने देखा ही नहीं अभी तक, मैं आपको दिखाऊंगा कभी मौका मिले कपूर। जैसे कस्तूरी है, कस्तूरी नहीं दिखेगी, वैसे कपूर भी दिखता नहीं है। कपूर केले के झाड़ पर पैदा होता है, आपको कैसे मिलेगा? जिनके पास में 100-100 एकड़ केला है ना, उनको कपूर नहीं मिलता तो आपको कैसे मिले? कंचन थाल कपूर की राजा।